नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम एमएस वर्ड के वीडियो में एक जो मेनू है मेलिंग मेनू उसके बारे में सीखते हैं और उसका यूज़ करना देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मेलिंग ऑप्शन होता क्या है। तो मेलिंग ऑप्शन होता है जैसे हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है वो चीज़ों को क्रिएट करने के लिए समझा जाता है, जिसको हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी समझते हैं। तो इसमें जो डाटा लिखा गया है उसे अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू किसी को सेंड करना चाहते हैं या प्रिंट आउट करके किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आपको मेलिंग मेनू का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हमने कोई डाटा क्रिएट किया है, इसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन होता है इनवेलोप्स यानी कि लिफाफा। इनवेलोप्स मतलब लिफाफे होते हैं करने वाला है उसका नाम। डिलीवरी एड्रेस में हम उसका नाम लिखते हैं जिसको हम मेलिंग करना चाहते हैं या जिसको हम ईमेल करना चाहते हैं या जिसको हम डाटा प्रिंट करके देना चाहते हैं। जैसे टू ऑप्शन होता है, ये टू में जैसे हमने दिखा दिया, ये हमने इन्फॉर्मेशन इसकी फिलअप कर दी। अब रिटर्न एड्रेस में हम वो एड्रेस लिखते हैं जो कि हमको भेजने वाले का पता दिखाता है, जैसे जहाँ से हम डाटा भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिख रहे हैं। देखिए तो डिलीवरी एड्रेस में हमने जिसको ईमेल करना है या मैसेज करना है उसका हमने एड्रेस रखा, और रिटर्न एड्रेस में जहाँ से मैसेज भेजा जा रहा है उसका हमने डिटेल्स रखा। अब यहाँ एक ऑप्शन है, ऑप्शन में आप जा करके इनवेलोप्स की साइज़ को कम या ज़्यादा करना, ये आपके हिस्से में आता है, आप इसको जैसा मेंटेन करना चाहो और उसके फॉन्ट की साइज़ ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। यह हमने ओके किया। अब अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लेंगे, अगर आप इसे डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेंगे। तो ये लिफाफा हमने तैयार किया ऐड टू डॉक्यूमेंट, आपको ये सामने लिख करके आएगा। ओके, अब ये देखिए आप इसको थोड़ा सा छोटा करके आप देख सकते हैं। फ्रॉम में जो भेज रहा है उसका एड्रेस और टू में जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस। और अगला ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन लेबल्स हैं। लेबल्स पे आ गए हम। अब लेबल्स देखिए, लेबल्स में हम अपना स्टिकर बना सकते हैं कि जैसे आपको बार बार एड्रेस अपना न लिखना हो तो उसके लिए हमने बना लिया लेबल, ताकि उसको हम किसी भी लेटर पे चिपका करके उसको भेज सकें। जैसे हमने ये बना दिया, ये हमने अपने एक लेबल तैयार कर लिया। अब देखिए फुल पेज ऑफ सेम लेबल, इसी लेबल के लिए हमको फुल साइज़ के पेजेस चाहिए। तो अब इसमें भी ऑप्शन है पेज की साइज़ कैसी होनी चाहिए। अब देखिए मार्जिन और हाइट वाइड आपको दिखाई दे रही है कि लेबल की इन्फॉर्मेशन कैसी है। अगर आप कोई दूसरा लेबल लेते हैं तो उसमें वाइड और हाइट आपकी चेंज दिखेगी। तो ये साइज़ आप यहाँ से मेंटेन कर लेंगे। ओके, अब अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया, देखिए नया डॉक्यूमेंट हमारे लेबल का बन करके तैयार हो गया है। तो आप इसको काट करके रख सकते हैं और जब भी आप कोई नया लेटर तैयार करें, नया पोस्टिंग करना चाहें तो आप ये चिपका सकते हैं, आपको बार बार लिखने से फुर्सत मिल जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसको अगर आप सेव करके रखना चाहें, इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको सेव सेलेक्ट किया हमने, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सारे सिस्टम आप पहले से समझ सकते हैं और पहले से आप इसको जानते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसको हमने क्लोज कर दिया या इसको हम मिनिमाइज़ कर दे रहे हैं, ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं हम लिस्ट बनाना, जिसको जिसको मेलिंग करनी है उसका लिस्ट क्रिएट करना। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम सीधा सा आते हैं टाइप और न्यू लिस्ट। अगर हमारे पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसको किसको मेलिंग करनी है तो उसके लिए हम टाइप और न्यू लिस्ट करेंगे। टाइप और न्यू लिस्ट, जब टाइप और न्यू लिस्ट करेंगे तो हमको फॉर्म मिलेंगे फिलअप करने के लिए कि किसको किसको हमें डाटा सेंड करना है। तो डाटा सेंड करने के लिए हम यहाँ पे एड्रेस फिलअप करेंगे, जैसे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है। तो अगर आप जो भी टाइटल भरना चाहें वो टाइटल भर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको कोई हेडिंग नहीं रखनी है या उसका नाम बदलना है तो आप कस्टमाइज कॉलम पे हमने क्लिक किया, जैसे टाइटल हमको हटा देना है यहाँ से तो हमने इसको डिलीट कर दिया। तो जो जो डाटा आपको यहाँ पे नहीं रखना है वो आप उसको इजीली उसको हटा सकते हैं। जैसे जिप कोड है, जोनल इम्प्रूवमेंट प्लान, आप इसका नाम बदल के पिन कोड रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे पिन कोड दे दिया। ओके, ये आपका कन्वर्ट होके पिन कोड के रूप में आ गया। अब जैसे होम फोन है, होम फोन एक हमने डिलीट कर दिया और जो दूसरा वर्क फोन है, वर्क फोन का हम नाम बदल के मोबाइल फ़ोन रखना चाहते हैं, जैसे हमने मोबाइल नंबर रख दिया। ओके, ईमेल एड्रेस हमको रखनी है। ओके,
अब ये जो भी डाटा हमने एडिट किया वो हमारे सामने दिखाया जा रहा है। अब जैसे मैंने फर्स्ट नेम रखा अविनाश, कंपनी नेम हमने दे दिया JKSS और एड्रेस हमने दे दी जौनपुर सिटी, जौनपुर स्टेट यूपी, पिन कोड आपके जो भी एरिया का पिन कोड हो रहा हो उनका पिन कोड देंगे, कंट्री इंडिया, मोबाइल नंबर आपको फिलअप करनी है तो आप उनके पास जो भी मोबाइल नंबर है आप उसको फिलअप कर देंगे। इसके बाद ईमेल आईडी, हमने यहाँ इसकी ईमेल आईडी फिलअप की। अब जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो दो का हमने इन्फॉर्मेशन भरा, ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं ये सेव करने का ऑप्शन आ जाता है, हमने इसको 2018 नाम से सेव कर दिया, सेव। ये लिस्ट हमारी सेव हो गई। अब हमको पेज पे क्या क्या रखना है ये दिखाना है। अब जैसे हमको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है ग्रीटिंग लाइन देखनी है, तो अगर आप जो जो इन्फॉर्मेशन हमने भरी है कॉन्टेक्ट की वो आप एडिट से देख सकते हैं। सबसे पहला एडिट ऑप्शन में तीन की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है जबकि लास्ट वाले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने इसके चेकबॉक्स हटा दिए। अब दो की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दो को मेलिंग करनी है, दो का डाटा है हमारे पास। अब देखिए ग्रीटिंग लाइन जो अगला ऑप्शन यूज़ करते हैं, ग्रीटिंग लाइन, तो ग्रीटिंग लाइन में हम यूज़ क्या करना चाहते हैं, डियर प्रिया या डियर रखना चाहते हैं या फिर टू रखना चाहते हैं, तो जो भी सिस्टम आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे हमने टू रखना है तो टू रख लिए, डियर रखना है तो डी रख लिए, जैसे हमने डियर रखा, ओके। देखिए यहाँ ग्रीटिंग लाइन जुड़ गई, हमने इंटर किया। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप इसकी रखना चाहते हैं पेज पर, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड पर आ गया, तो जो जो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट में बनाई थी वो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिखाई दे रही। जैसे हमने पिन कोड रखा था या फिर मोबाइल नंबर चेंज करके रखा था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो अब आप ग्रीटिंग लाइन के साथ उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं, जैसे हम कंपनी नेम उसका रखना चाहते हैं और उसका सिटी, उसका पिन कोड, उसका ईमेल आईडी हम रखना चाहते हैं। इतनी चीज़ें हमने रखी। अब आप हाईलाइट करके देख सकते हैं कि कितनी कितनी चीज़ें आपने जोड़ी है, क्लिक कर देंगे दोबारा तो हाईलाइट हट जाएगा। अगला ऑप्शन जो है वो प्रीव्यू करने का है कि आप अगर प्रीव्यू करते हैं तो कैसा दिखेगा, मतलब पहले से ही आप उसको देख लेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। डियर प्रिया RSS भदोही, ये पिन कोड जो भी होगा, अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो एडिट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाय द वे हमने इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है तो आप उसको यहाँ से आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। अब दो लोगों का इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यूज़ करना है, फिनिश एंड मर्ज करते हैं तो आप इसको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, जैसे सेंड ईमेल मैसेज है। तो अगर आप MS वर्ड में मेलिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो एक MS ऑफिस का टूल है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस, उस पर आपको ID बना करके रजिस्ट्रेशन करना होगा तब जा करके आप इस पर मेलिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से ईमेल आईडी है तो आप आउटलुक के साथ उसको अटैच करके ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए ये करने से पहले एक हम डाटा देख रहे हैं, ऑटो चेक फॉर एरर्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और हमने ओके किया तो हमने जितने पेज तैयार किए थे या आप कह सकते हैं जितने हमने कॉन्टेक्ट बनाए थे उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। दो की कॉन्टेक्ट हमने बनाई थी, एक प्रिया का एक अविनाश का, तो हमारे पास दो पेज आ गया और दो लेटर्स आ गए। अगर हमने 10 की इन्फॉर्मेशन बनाई होती तो 10 पेज आते और 10 आपके लिफाफे आते। थैंक्स टू अस दोस्तों।